तेलुगु नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान द्वारा। साल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, राष्ट्र स्वयं सेवा संघ की स्थापना करते हैं, आरएसएस के लड़ाई की भावना को प्रमोट करती थी। शक में ये कहते हैं कि इंडिया एक होमोजेनस नहीं, वोटिंग की एज 21 साल थी। जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइड देखेंगे या एक्टिव होते हैं हिंदू। कैसे हैं दोस्तों, क्या कभी आपने सोचकर देखा है कि क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा ना हुआ होता? आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा एक इंडिया, अखंड भारत होता तो एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती? इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर पड़ता? पॉलिटिक्स और मीडिया जैसी चीजों पर क्या इम्पैक्ट होता? दोस्तों आइए इस सिनेरियो पर एक सीरियस नजर डालते हैं और असली इतिहास देखकर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए था अगर इस पार्टीशन को रोकना था। आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मेहंदी हसन से मिलने, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की कोई सरहद नहीं होती। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं असली इतिहास से, क्योंकि उसे समझकर हम जान सकते हैं कि पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। साल 1857 से शुरू करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश को इतना बड़ा चटका लगा कि इसके बाद उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू करी। साल 1880 के दशक के आखिरी सालों में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान द्वारा। साल 1905 में बंगाल का पार्टीशन कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा धर्म के आधार पर। अगले साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। फिर साल 1909 में आते हैं द फेमस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म और 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म। इन दोनों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश वास्तव में हिंदुस्तान को पॉलिटिकली डिवाइड कर देते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब धर्म के नाम पर कुछ सीटें होंगी जहां पर उसी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। इसके चलते हिंदूज और मुस्लिम के बीच में दरारें बढ़ने लगती हैं। साल 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। इसके तहत कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? उन्हें लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन गांधी जी ने जैसे एक बार कहा था, द मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ाने का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये कम्युनल इलेक्टोरेट का शॉर्टकट लेना बहुत हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं सोच सके। साल 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करी जाती है और 1923 में हिटलर के फैन बॉय विनायक सावरकर अपनी किताब लिखते हैं एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें वो बताते हैं कि कैसे हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक प्योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और देश में मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें साथ मिलता है आरएसएस के लीडर एमएस गोलवलकर से, जो कि खुद एक हिटलर के फॉलोअर होते हैं, और वो आगे चलकर साल 1925 में आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ की स्थापना करते हैं। आरएसएस के लोगों को बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में कुछ भी हिस्सा मत लेना, मुस्लिम और क्रिश्चियंस ही यहाँ पर हमारे असली दुश्मन है। तो इस पॉइंट पर आकर दोनों हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई थी जो बंटवारे की भावना को प्रमोट करती थी। इसी के चलते 1920 और 1930s का जो समय था उसमें भारी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं और दोनों धर्मों के बीच पार्टीशन की जो भावना थी वो यहाँ से जन्म लेने लगती है। 1933 रहमत अली एक और हिटलर के फॉलोअर एक पॉम्पलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर आर वी लिव और पेरिश फॉर एवर। इस पॉम्पलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें पहली बार डिमांड उठाई जाती है कि पांच नॉर्थ प्रोविंसेस पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को एक सेपरेट मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बाद में मॉडिफाई करके शब्द बना पाकिस्तान। साल 1937 में सावरकर अपने भारत तोड़ो प्रोपेगेंडा को दोबारा से दोहराते हैं। हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में ये कहते हैं कि इंडिया एक होमोजेनस नहीं बल्कि यूनिटेरियन नेशन नहीं है। इंडिया के अंदर दो राष्ट्र हैं,
एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। तीन साल बाद 7 1940 में लाहौर सेशन में भी जिन्ना भी यही बात कहते हैं, हिंदू और मुसलमान का सोशल ऑर्डर अलग है, अलग अलग फिलोसफीज है, तो मुस्लिम का अपना एक अलग वतन होना चाहिए। ब्रिटिश वायसराय लिनेथ लेते को इसे सपोर्ट करते हैं और उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि पाकिस्तान एक अलग देश रहेगा तो यह एक फेथफुल फ्रेंड की तरह बना रहेगा वेस्ट का, और एक डिफेंसिव वॉल की तरह बना रहेगा सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट इंडिया के बीच में। साल 1945 में वायसराय वेवन भी कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल फेवर में पार्टीशन के, वो तीन देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसटन। अगस्त 1943, सावरकर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग अलग नेशन है। इन सारी कम्युनल भाषण के बीच में 1940 में इलेक्शंस करवाई जाती है ब्रिटिश इंडिया में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं, नतीजा ये कि मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिल जाती हैं इस इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर वन पे थी 923 सीट्स के साथ, लेकिन ये चीज बड़ी साफ दिखती है कि मुस्लिम लीग एक बहुत पावरफुल फोर्स है और मेजॉरिटी मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग ही जीतती है। कई लोग इस फैक्ट को पॉइंट आउट करते हैं और ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि देखो मुस्लिम ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया है, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान के फेवर में थी। लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता कि इन इलेक्शंस में कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी। वोटिंग की एज 21 साल थी, पर ऐसा नहीं था कि हर आदमी वोट कर सकता था। बड़ी लिमिटेशंस लगाई गई थी वोट करने के लिए, प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शंस थी, लैंड ओनरशिप की जरूरत थी, टैक्स पे किए होने चाहिए थे, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी। और अगर आप ये कंडीशंस सेटिस्फाई करते हो तभी आप इन इलेक्शंस में वोट कर सकते हो। कुल मिला के बात ये थी कि सेंट्रल असेंबली में जो फ्रेंचाइजी थी, देश भर की पॉपुलेशन की सिर्फ 3% लोग एलिजिबल थे वोट करने के लिए और प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ 13% लोग। तो ये इलेक्शंस बेसिकली अपर क्लास लोगों की इलेक्शंस थी, आम जनता को कोई मौका नहीं मिल पाया पार्टिसिपेट करने का। वैसे गौर करने वाली बात थी कि हिंदू महासभा को इसमें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतनी सारी सीटें जीत ली, अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन की कॉल करती है। जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइड देखेंगे या इंडिया को डिस्ट्रॉयड देखेंगे। भारी वायलेंस देखने को मिलता है, 4000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर, और मेजरली इन वायलेंस के विक्टिम होते हैं हिंदू। गांधी जी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर नोवा खली जाते हैं हिंदू उसको बचाने। 14 अगस्त 1947 को लोग पार्टीशन के दिन की तरह मनाते हैं, लेकिन उस दिन तो पार्टीशन सिर्फ फॉर्मलाइज हुआ, फॉर्मली इम्प्लीमेंट किया गया। असलियत में पार्टीशन की कहानी कई दशकों लंबी है, जैसा कि अभी आपने सुना। अब इस पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? वैसे तो बहुत से लीडर्स थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस, मौलाना आजाद, कई पॉलिटिकल पार्टी जो इस पार्टीशन की अगेंस्ट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यूनियनिस्ट पार्टी, गांधी जी, खान अब्दुल गफार खान जैसे लोगों ने पार्टीशन को एंड तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने मजबूरी में आकर एंड में पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने पहले प्रेजेंट किया, कैबिनेट मिशन एक ऐसा प्लान था जिसमें इंडिया का पार्टीशन नहीं होना था। उस प्लान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती वो बहुत कमजोर होती, और जो सारे देश की अलग अलग यूनिट्स होती उन्हें अधिकार होता कि वो अपनी रिलेशनशिप यूनियन के साथ रिकंसिडर कर सकते हैं हर 10 साल बाद। तो कांग्रेस की राय में ये प्लान और भी ज्यादा खतरनाक था। इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए सरदार पटेल ने तभी कहा था, नोबडी लाइक्स अ डिवीजन ऑफ इंडिया बट द चॉइस इज बिटवीन वन डिवीजन एंड मैनी डिविजन्स। उन्हें लगा था कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करके हम खून खराबे को होने से रोक सकते हैं। डर ये था कि अगर पार्टीशन को नहीं होने दिया तो मुस्लिम लीग शायद से लार्ज स्केल वायलेंस शुरू कर दे, कम्युनल टेंशन इतनी बढ़ जाए कि रेजिमेंट्स और पुलिस फोर्सेस के अंदर भी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग होकर देखने लगे। ऐसा होता है या नहीं होता ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर है, पार्टीशन के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत खून खराबा देखा गया। कुछ लोगों की राय यहाँ पर होती है कि पार्टीशन को रोकने के लिए
जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था, क्योंकि जिन्ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर के पीछे भाग रहे थे। क्या ऐसा करने से पार्टीशन को रोका जा सकता था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जिन्ना पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे पाकिस्तान के। पर इनफैक्ट जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट 3 बार ऑफर करी जा चुकी थी। जून 1940 में नेताजी बोस ने ऑफर किया था, कुछ महीनों बाद सी राजागोपालाचारी ने ऑफर किया था, और अप्रैल 1947 में गांधी जी ने जिन्ना को ऑफर दिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का, इस उम्मीद में कि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। मेरी राय में 3 सिनेरियो है जिनमें पार्टीशन को होने से रोका जा सकता था। पहला, सबसे सिंपल लेकिन शायद से सबसे अनलकीली, गांधी जी किसी न किसी तरीके से किसी बात से कन्विंस कर लेते जिन्ना को कि पार्टीशन ना किया जाए, और जिन्ना अपना मन बदल लेते और पाकिस्तान की डिमांड छोड़ देते। जब मुस्लिम लीग के लीडर ऐसा सोचते तो वाजिब तौर पर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा सिनेरियो, नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मारने की बजाय जिन्ना को मार देते। अब गोडसे ने गांधी को कई बारी मारने की कोशिश करी थी 1948 के एक्चुअल मर्डर से पहले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट थे और जिन्ना पार्टीशन के फेवर में थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गोडसे ने कभी जिन्ना को मारने की कोशिश नहीं करी। अगर गोडसे जिन्ना का मर्डर कर देता तो शायद मुस्लिम लीग में कोई और लीडर ना रहता पार्टीशन की डिमांड को बरकरार रखने के लिए, और शायद कोई पार्टीशन ना होता। इस केस में एक अल्टरनेट सिनेरियो भी हो सकता है, जिन्ना की मौत के बाद शायद से कम्युनल राइट्स देश भर में देखने को मिलते और लोगों के बीच में बंटवारा और बढ़ जाता। लेकिन तीसरा सिनेरियो सबसे श्योर शॉट सिनेरियो है मेरी राय में, जो सही मायनों में पार्टीशन को रोक सकता था। सन 1945 में सत्ता बदलती है ब्रिटेन में, विंस्टन चर्चिल नीचे उतर आते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से, और नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के खिलाफ होती है और इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ होती है। यह कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी पार्टीशन होने से रोकने की, लेकिन वो काफी लेट हो गए थे एक्शन लेने में। अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी पहले पावर में आ जाती, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जल्दी से एक्शन लेते इंडिया में हो रही कम्युनिटीज को रोकने के लिए, तो यहाँ पर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहली चीज करनी थी रिजर्व इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को वापस लेना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी लाना, इंडिया में हर एडल्ट को वोटिंग का अधिकार देना। अगर ऐसा होता तो सारी जनता वोट कर पाती तो शायद मुस्लिम लीग को भारी हार का सामना करना पड़ता। 1946 की इलेक्शंस में जिन्ना जब डायरेक्ट एक्शन के अनाउंसमेंट करते तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती, जेल में डालती और दंगों को होने से रोक सकती। ब्रिटिश इंडिया की सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन अगर लेती हेट स्पीच के खिलाफ लॉज इम्प्लीमेंट करने में, क्रिमिनल हालत को कंट्रोल करने में, तो फॉर श्योर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने से जब साल 1947 में ब्रिटिश देश को छोड़कर जाते तो हमें मिलता एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक यूनाइटेड इंडिया का देश। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनाइटेड इंडिया एक सेक्युलर देश होता। कई कांग्रेस ने कभी सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे पहला फायदा तो बड़ा साफ होता कि जो करीब 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए पार्टीशन की वजह से, कितने लाखों परिवारों का बंटवारा हो गया पार्टीशन के वक्त, कितने ही लोगों की मौत हो गई, इन सब लोगों की जानें बच जाती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो दशकों से चली आ रही कम्युनल टेंशन थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, वो अचानक से खत्म हो जाएंगी। देश के नए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक नई तरीके की चुनौती सामने होती, अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ में मिलाकर रखना। आज के दिन इंडिया में 71% पॉपुलेशन हिंदू है और 14% मुस्लिम है, लेकिन यूनाइटेड इंडिया में डेमोग्राफिक्स होते 62% हिंदू और 32% मुस्लिम। ओवरऑल देश की पॉपुलेशन होती 176 करोड़, बड़े आराम से दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होता। शुरुआती कुछ साल बड़े इंपॉर्टेंट होते और लोगों के बीच में जो एक दूसरे को लेकर जो डर था उसे खत्म करना होता। ये सिर्फ दिखावे वाली चीजों से करना इम्पॉसिबल होता। यहाँ पर सिंगापुर में जैसे इतने इंटीग्रेशन पॉलिसी को लागू करी गई थी, वैसे किसी पॉलिसी की जरूरत पड़ती। यूनाइटेड इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए इस सरकारी मकानों में, सरकारी सोसाइटीज में परसेंट सेट करी जाए कि इतने से ज्यादा हिंदू यहाँ नहीं हो सकते, इतने परसेंट से ज्यादा मुस्लिम यहाँ नहीं हो सकते, ताकि अलग अलग ग्रुप्स ना बने।
अगर किसी कारण की वजह से यूनाइटेड रख पाना देश को पॉसिबल ना होता तो फ्यूचर और भी भयंकर होता। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया देश का, जो बट गया अलग अलग टुकड़ों में क्योंकि अलग अलग एथनिसिटीज को साथ में जोड़कर नहीं रख पाया वो। लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव चीज मान लेते हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू सक्सेसफुल रहे होते और देश को यूनाइटेड रखने में लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ा और लोग शांति से रहने लगे, इसका एक बड़ा अलग इम्पैक्ट दिखता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। बांग्लादेश बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था कि जो पाकिस्तान में बैठी सरकार कर रही थी बंगाली लोगों के ऊपर उर्दू इम्पोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसमें, कि वहाँ जबरदस्ती उर्दू बुलवाई जा रही थी बंगाल में रहने वाले लोगों से यूनाइटेड इंडिया में। ऐसा नहीं होता तब बांग्लादेश बनने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ती और एक बार फिर से कितने लाखों लोगों की जान बच जाती। ऐसे सिनेरियो में आज के दिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इलीगल इमिग्रेशन देखने को मिलता है बांग्लादेश से वो भी नहीं होता क्योंकि सब एक ही देश होता। अब क्योंकि यूनाइटेड इंडिया और भी ज्यादा डाइवर्स होता आज के इंडिया के कंपैरिजन में, तो जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है अलग अलग रीजन्स के बीच में वो आज के दिन की तरह इंग्लिश ही रहती। इनफैक्ट इंग्लिश की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि उर्दू और बंगाली लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती। अब यूनाइटेड इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता क्योंकि दोस्तों 1970 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी जिसमें बाकी सारे देश धकेले जा रहे थे। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी की तरह बनता है अमेरिका का। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश था और अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए एंटी सोवियत फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए हथियार भिजवाए और इसकी वजह से आगे तालिबान का जन्म हुआ। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर धार्मिक कट्टरता को सपोर्ट किया। लेकिन अगर अब पाकिस्तान की जगह अगर यूनाइटेड इंडिया होता, ज्यादा बड़ा देश होता, ज्यादा ताकतवर देश होता और इतनी बड़ी कोल्ड वॉर में इतने बड़े देश के लिए न्यूट्रल रहना आसान रहता। इंडिया भी इनफैक्ट काफी हद तक न्यूट्रल ही था कोल्ड वॉर में, तो होता ये कि अमेरिका के पास कोई जरिया नहीं बचता अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने का, तो शायद तालिबान का कभी जन्म ना हुआ होता। अब अगर तालिबान का जन्म भी ना हुआ होता और पाकिस्तान नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता तो जो रीजनल टेंशन हमें देखने को मिलती है, आतंकवादी संगठन जो हमें देखने को मिलते हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है कि अफगानिस्तान एक काफी बड़ा एलाई बन जाता इंडिया का। यूनाइटेड इंडिया में तो कश्मीर का मुद्दा पूरा ही खत्म हो जाता। 1980s वो समय था जहां पर हमने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ते हुए देखा। पाकिस्तान का इन सब में एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। ऑलमोस्ट हर महीने एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है और ये सब अवॉइड किया जा सकता था। इसी के साथ साथ दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चार वॉर्स लड़ी गई थी 1947, 1965, 71 और 99, ऐसी कोई भी वॉर नहीं होती यूनाइटेड इंडिया में। हजारों लाखों लोग जो लड़ाइयों में मारे गए वो बच सकते थे। इसका एक और नतीजा ये होता कि जो भारी खर्चा इन दोनों देशों द्वारा किया जाता डिफेंस पर वहां से करोड़ों रुपए भी बचते। आप सोच कर देखिए कि अगर इतने सारे पैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर लगाए जाते तो यूनाइटेड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी कहीं ज्यादा बड़ी होती। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया को अपने बॉर्डर्स को काट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीन से खतरा आता है वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता, लेकिन चीन जैसा देश भी दो बार सोचता इतने बड़े देश से पंगा लेने से पहले। अगर लोगों की बात करें तो पाकिस्तान के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड इंडिया के अंदर उनकी जिंदगियां काफी बेहतर होती, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया रिपब्लिक बना साल 1950 में, पहली इलेक्शंस कराई गई 1952 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सालों साल लग गए एक कॉन्स्टिट्यूशन तक को बनाने में। उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन साल 1956 में बना जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर 1962 में जाके एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर से मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर 1973 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसे एक साल बाद फिर से सस्पेंड कर दिया गया और 1985 के बाद रिस्टोर किया गया। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना समय लग गया, बार बार मिलिट्री कूप्स देखने को मिले। आज के दिन तक एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल की पूरी टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाया और डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 4.31 आउट ऑफ 10 है। इसे एक हाइब्रिड रिजिम कहा जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 147 है
जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान 144 पोजीशन पर है और इनइक्वालिटी में और भी ज्यादा नीचे है। इस सब का कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन बनाया जा सकता है रिलीजन से। दुनिया भर में करे गए सर्वेज में बार बार दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के सबसे गरीब देश रिलीजन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर रिलीजन को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। तो पाकिस्तान अगर एक सेकुलर देश होता तो इन सारे फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती। इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सिख, हिंदू, शिया मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम के खिलाफ जो अत्याचार देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो देश में मेजॉरिटी रिलीजन है वो बड़ा खुश रह रहा हो। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और हमारे इंडिया का गोदी मीडिया इसके बारे में बहुत खबर सुनाता है। पाकिस्तान बेरोजगारी से युवा परेशान है। पाकिस्तान में बेहताशा महंगाई देखने को मिलती है। पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक चीज ये भी कही जा सकती है कि यूनाइटेड इंडिया में हमारे मीडिया के पास पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं होता जिसकी खबर ये बार बार सुना सकते थे। शायद तभी अफगानिस्तान के बारे में बात करने लगते या ईरान के बारे में बात करने से लग जाते या ईरान के बारे में बात करने लग जाते। लेकिन थोड़ा सा इन्हें काम के मुद्दों पर ज्यादा बात करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार नहीं देखने को मिलते जैसा पाकिस्तान में मिलता है। इंडिया में भी मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं को भी दंगों में मारा जाता है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया सेकुलर है और ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग अत्याचार करते हैं वो सेकुलरिज्म को एक गाली मानते हैं। धार्मिक कट्टरता इंडिया में भी हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से ये सब होता है। यूनाइटेड इंडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ता। जो पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स करते हैं पाकिस्तान के नाम पर कि हमने पाकिस्तान को आग दिखा दी, विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, यूनाइटेड इंडिया में उनकी सारी बातें और प्रोपेगेंडा फेल हो जाता। तब शायद उन्हें चीन का नाम लेना पड़ता अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। जॉर्ज ओरवेल की लेजेंडरी किताब 1984 में एक फेमस कोट है, वॉर इज पीस। इस किताब में एक ऐसे देश के बारे में बताया गया है जो कॉन्स्टेंटली वॉर पर रहता है बाकी देशों से। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किस देश के साथ वॉर हो रही है, इम्पोर्टेंट ये है कि वॉर हो रही है, हमेशा वॉर होती रहे, क्योंकि वॉर की मदद से ही स्पेशल मेंटल एटमॉस्फेयर बना रहता है, सोसाइटी का ध्यान भटका रहता है। जीडीपी की बात करी जाए तो शायद ज्यादा असर ना पड़ता क्योंकि इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी काफी बड़ा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन में। नेचुरल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सेंस में जरूर फर्क पड़ता कि अगर यूनाइटेड इंडिया एक स्टेबल सेकुलर देश बने रहता तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, एक बड़ा मार्केट बाकी दुनिया को मिलता, देश की जो सॉफ्ट पावर है वो भी आज के कंपैरिजन में कहीं और ज्यादा होती। इंडिया बड़ी आसानी से अमेरिका और चीन के बराबर के लेवल पर होता। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि काश ऐसा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड इंडिया जैसा देश एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ निराश होने की बात नहीं है दोस्त, ये बात सच है कि हमारे पुरखे इस काम में सफल नहीं रहे, लेकिन याद रखिए फ्यूचर हमारे हाथ में है। आने वाले समय में क्या होगा ये हम लोग तय करेंगे। हम पार्टीशन को तो नहीं रोक सके, लेकिन हम रीयूनिफिकेशन को जरूर कर सकते हैं। अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट कर सकते हैं, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोबारा मिल सकते हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों नहीं दोबारा मिल सकते। जब लोग रीयूनिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच को देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस दिन कोई बड़ा लीडर आएगा, कोई महान आदमी आएगा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को रीयूनाइट कर देगा, हमें चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। जो बदलाव है वो हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है और रीयूनिफिकेशन का जो सेंटीमेंट है वो पहले जनता में आना चाहिए। जब जनता ऐसी चीज को सपोर्ट करेगी तो अपने आप कोई ना कोई पॉलिटिशियन निकल कर आएगा जो जनता की तरफ से ये मुद्दा उठाएगा वोट्स लेने के लिए, और फिर जाके ये पॉसिबल हो सकता है जैसा आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों पार्टीशन कोई एक दिन में नहीं हो गया था, बल्कि एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो 1875 से लेकर 1947 के बीच में अलग अलग स्टेजेस में हुआ। तो हम जब रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें उसी एक लंबे प्रोसेस की तरह समझना चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप घटनाएं हुई जिसकी वजह से एंड में जाकर पार्टीशन हुआ। हमें स्टेप बाय स्टेप उसका उल्टा करना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार को
खत्म करना होगा, पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा, धर्म के नाम पर जो राजनीति करी जाती है उसे खत्म करना होगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत को खत्म करना होगा। जब तीनों देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने देश के अंदर ऐसा करने में सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे इन सब के बीच कोऑपरेशन अपने आप बढ़ेगा और रीयूनिफिकेशन फिर एक नेचुरल स्टेप की तरह लगेगा। कुछ इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो एक समय पर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, उन्होंने अपने देशों के अंदर इस नफरत को खत्म किया, कोऑपरेशन बढ़ने लगे और धीरे धीरे जाकर स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। कुछ इसी तरीके से एक एशियन यूनियन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा जरूर। और एक चीज याद रखिए, ये जो नरेटिव है ये बॉटम टू टॉप फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।